हेलो एवरीवन, सो वेलकम एवरीवन इन केमिस्ट्री का डेली डोज। तो आज का जो नेम रिएक्शन इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लेमेंशियन रिडक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है और इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते होंगे। हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम सेशन प्रोसीड करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लेमेंशियन रिडक्शन। तो सेशन में प्रोसीड करने से पहले बच्चे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप किसी भी तरीके का इमोशन फेस कर रहे हो रिगार्डिंग योर नीट प्रिपरेशन, तो आपके लिए वेदांतुला है बहुत अच्छा ऑफर, डेट इज फॉर क्रैश कोर्स, और आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है, तो उसका फायदा उठाओ। तो जो कोर्स अदरवाइज आपको 10,000 का मिल रहा है वो 30% डिस्काउंट के बाद मिलेगा सिर्फ आपको 7,000 में। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड आपका ANPNEET है। 31st of May से आपके नए बैच स्टार्ट है, एनरोल नाउ बच्चे। एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका 6th of June को होने वाला है, तो रजिस्टर करने के लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन, दैट इज कमिंग टू आवर नेम रिएक्शन, दैट इज क्लेमेंशियल रिडक्शन। तो ये नेम रिएक्शन इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइडिन या फिर कीटोन को जब आप जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl ट्रीट करते हो तो आपको अल्केन मिलता है। ठीक है बच्चे, अल्केन मिल जाता है। ठीक है, जिंक एमलगम और HCl के प्रेजेंस में जब आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन को ट्रीट करते हो तो आपको अल्केन मिल जाता है, H2O मिलता है। तो मतलब बेसिकली इसमें C डबल बॉन्ड हो जो आपका कार्बोनिल है वो चेंज होता है किसमें, मिथिलीन में। ठीक है, मिथिलीन में CH2। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन हो जाता है CH2 में। तो ये होता कैसे, तो हम चलो फिर इसके मैकेनिज्म पार्ट पे चलते हैं। ठीक है बच्चे, इसके मैकेनिज्म पार्ट पे चलते हैं। वैसे तो इसके मैकेनिज्म आपको उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है स्टिल समझने के लिए। ठीक है, कि हो कैसे रहा है आप इसे देख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो लाइक तो फिर हम इसके मैकेनिज्म पार्ट पे चलते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है, ये है आपका जिंक। ठीक है बच्चे, जिंक इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है इलेक्ट्रॉन, अब क्या है सबसे पहले कि जिंक है, ये जिंक एमलगम से आप जो है यहाँ पे जिंक एमलगम यूज होता है तो वहां से जिंक है। और HCl से क्या मिलेगा, HCl कैसे ब्रेक होगा, H+ एंड Cl- में। ठीक है बच्चे, तो अब देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, HCl से जो एसिड आया था उससे वो आपका प्रोटोनेशन करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उसके साइड से हुई है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिंक का इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके अटैक करेगा कार्बन, वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। ठीक है बच्चे, एंड आपका कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उस पर अटैक, तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा आपका, फाइनली आपका हो जाएगा जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया है अपने लोन पेयर का। ठीक है, तो उस पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड चलो ये आ गया आपका, ठीक है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, एंड देन फिर जो है अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम आगे यहाँ करते हैं। अब देखो हमारा ये था चुका था, यहाँ पे हमारा जिंक था, जिंक पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब क्या होगा, Cl- जो HCl से आया था वो आके जिंक पे अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, बॉन्ड बना लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या मिल जाएगा आपको, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे हो गया ZnCl। ठीक है जी, ये मैकेनिज्म आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि नेम रिएक्शन जितने भी हमने किए हैं उसके मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म से कभी भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है,
मतलब कि डायरेक्ट इन द सेंस कि मैकेनिज्म करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैकेनिज्म करके दिखाओ, ठीक है बच्चे। लेकिन उसके बीच में कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको इंटरमीडिएट पूछा जा सकता है, ठीक है, इंटरमीडिएट पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल पूछा जा सकता है, फिर कितने कितने वोल्ट्स क्या यूज हुए हैं ये पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैकेनिज्म एक बार देखना जरूरी होता है, उसे समझना जरूरी होता है, ताकि उसके बीच से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बता सको, ठीक है। तो ये आपका जेड एन एच सी एल हो गया, ये एच हो गया, ठीक है बच्चे। ना हो गया तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे हो गया ZN, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा प्रोटोनेशन। फिर से प्रोटोन आएगा, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा, उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, एंड फाइनली जो है वो आपका, ठीक है, अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज हो जाएगा, OH2 बन जाएगा, OH2+, एंड ये आपका इधर से रिमूव हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड आपका H2O बन के क्या हो जाएगा, H2O बन के रिमूव हो जाएगा, ठीक है बच्चे, H2O बन के। अब आपको क्या मिला यहाँ पे, मैं यहाँ शो कर दे रही हूँ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि H2O रिलीज हुआ है, ZnCl, ठीक है, इस तरीके से आ गया इसके पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ठीक है, ये देखो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो जिंक क्या करेगा, ठीक है, देखो 1 मिनट आपको मैं बताती हूँ क्या होगा आगे, ठीक है। तो आगे क्या होगा, दूसरा जिंक, ठीक है, दूसरा जिंक क्या करेगा, इस क्लोरीन को लेगा, ठीक है, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चे। अब क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये जेड एन सी एल आपका रिमूव हो चुका है, ठीक है, जेड एन सी एल आपका क्या हुआ है, माइनस जेड एन सी एल, ठीक है, वो आपका रिमूव हो चुका है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को देगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को देगा एंड फिर क्या बन जाएगा, मैं आपको इधर दिखा रही हूँ, तो ये जो है आपका कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे जिंक पे आपका नेगेटिव चार्ज आया था, वो कार्बन को देगा एंड आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन पे आप नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और जिंक पे आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हो जाएगा, वो आपका H2O से क्या करेगा, H2O से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, H2O से आपका क्या करेगा, प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा एंड फाइनली आपको जो है ये मिल जाएगा, एंड देन जो है Cl- माइनस आके जिंक को लेगा, ठीक है बच्चे, ये जिंक के साथ फिर से बॉन्ड बना लेगा एंड फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, एच सी एल जेड एन सी एल, ठीक है, जेड एन सी एल। फिर नेक्स्ट जेड एन, ठीक है, जिंक जो है इस क्लोरीन को लेगा, ठीक है बच्चे, ये क्लोरीन को लेगा इस तरीके से एंड आपका फिर क्या होगा, ये नेगेटिव, ये आपका इसको लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा इस पर नेगेटिव चार्ज। अब ये अगेन क्या करेगा, H2O से प्रोटोन ले लेगा, H2O से आपका प्रोटोन ले लेगा एंड फाइनली आपको जो है अल्केन मिल जाएगा, ठीक है, अल्केन। तो इस तरीके से आपको जो है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है आपको मिल गया, ठीक है बच्चे। तो ये इस तरीके का, इससे ऐसा इसका रिएक्शन है। तो आई होप कि आपको रिएक्शन क्लियर है, ठीक है। तो चलो फिर आगे हम क्वेश्चन पैड पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पैड इसका देखते हैं। तो क्वेश्चन जो इसे पूछे गए हैं वो देखते हैं। तो क्लेमेंशियल रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपको ये AIPMT 2011 में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द जिंक एमलकम विथ HCl, ठीक है बच्चे, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, तो आई होप कि आपको क्लियर है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म एंड फिर ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। तो मिलते हैं बच्चे नए डाउट के साथ, ठीक है, ठीक है, नए डाउट के साथ, तो नए नए नेम रिएक्शन के साथ, ठीक है, नए नेम रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांत नीट मेडी चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बी द पार्ट ऑफ आवर।